महाराष्ट्र के आद्य दैवत के नाम से श्री गणेश जी का नाम लिया जाता है और गणेश जी की पूजा अर्चना भी की जाती है। ये मान्यता है कि गणेश जी सिर्फ हिंदू धर्म में ही होते हैं, लेकिन गणेश जी की मूर्ति की स्थापना और उनकी इबादत मुस्लिम धर्मीय भी करते हैं। जी हाँ, नागपुर के पार्वती नगर में सोहेल खान इनके घर में श्री गणेश जी का आगमन हुआ है, जहाँ पे पूजा अर्चना का दौर जारी है। पूरे देश में गणेश जी का आगमन हो चुका है। सुखकर्ता, दुखहर्ता, विघ्नहर्ता के नाम से भी गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। गणेश जी सिर्फ हिंदुओं के ही घरों में विराजमान होते हैं या उन्हें बिठाया जाता है, ऐसा सभी का मानना है। लेकिन गणेश जी के मुस्लिम भाई भी भक्त हैं। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं दक्षिण नागपुर के पार्वती नगर निवासी सोहेल खान की। सोहेल खान के घर में भी गणेश जी विराजमान हुए हैं। पूरे विधि विधान के साथ श्री गणेश जी की पूजा अर्चना की जा रही है। भारत देश की एक खासियत यह है कि इस देश में सभी जाति धर्म पंथ के लोग रहते हैं और एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करते हैं। मैं सुजैन खान आप सबसे यह कहना चाहता हूँ कि आज हमारे घर पे गणपति जी का आगमन हुआ है। सिर्फ हमारे नहीं, पूरे देश में क्या, पूरे दुनिया में आज गणपति जी बैठते हैं और ये प्रथा बहुत सालों से चलते हुए आ रही है। और हमारे यहाँ पे गणपति बैठते हैं, इसमें सहयोग हमारी पूरी कॉलोनी करती है। ऐसा कोई नहीं होगा जो इसके खिलाफ होता हो, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, सब एक साथ मिलकर करते हैं। और यही नहीं, हमारे यहाँ पे शारदा देवी बैठती है, सब मिलकर ईद मिलाद बनाते हैं, ईद बनाते हैं, मुहर्रम बनाते हैं, और अभी तो मुहर्रम और गणपति जी एक साथ ही आए हैं। और हमारी पूरी कॉलोनी जितने भी फेस्टिवल्स है, वो हिंदू के हो, मुस्लिम के हो, सिख के हो, ईसाई के हो, जितने भी त्यौहार है सब एक साथ मिलके बनाती है। और आप तो जानते हैं अभी कोरोना का काल शुरू है, तो आप सब गणपति पापा से यही प्रार्थना कीजिए कि जल्द से जल्द ये कोरोना खत्म हो जाए और हम अपने दोस्त यार फैमिली से मिल पाए। और अभी तो कोरोना का फिलहाल खत्म नहीं हुआ है, तो आप सब अपने घर बैठिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए और मास्क का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, भीड़ भाड़ जगह जाने से बचें और सैनिटाइजर का ज्यादा उपयोग करें, पर खाना बनाते वक्त ना करें, उससे आपको तकलीफ भी हो सकती है। सोहेल खान द्वारा गणेश जी को बिठाना ये दर्शाता है कि इस देश की अखंडता, भाईचारा, एकता आज भी कायम है। कोई कुछ भी कहे, लेकिन सोहेल खान द्वारा की गई इस पहल की सारे भारतवर्ष में एक सराहना हो रही है। एनबीसीएन से संजय मिरे की रिपोर्ट।